सच में अगर प्रश्न आ गया तो कहते हैं इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस, बट इन सरेंडर देयर इज नो नेगोशिएशन, इन सरेंडर देयर इज नो नेगोशिएशन। ए फेथ में प्रश्न नहीं होता और सरेंडर में कोई निगोशिएशन नहीं होता। हम लोग सरेंडर होने में निगोशिएशन करते हैं, भगवान आप मुझे ये दे दीजिएगा तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, मैं वो खाना सबको दे दूंगी, मैं ये सब, तुम तो निगोशिएशन करते हो भगवान से क्यों? और जानते हो तुम भगवान को भी अगर तेरा सारा बात भगवान सुन ले तो तुम भगवान को भी करप्ट कर दोगे, घुसखोर बना दोगे। तो कभी ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, इतना तुम घुस दे रहे हो क्या भगवान को? क्यों करना है करो, तुम्हारा मन किया हो करने का ना कर दो, भगवान से कोई निगोशिएशन मत करो। बस अगर मन में आया कि मुझे अच्छा करना है कर दो, अच्छी चीज है तो करनी चाहिए, तो इसलिए उनसे कोई निगोशिएशन मत करना। एक जानते हो तो बिहार की घटना है, बिहार में एक गया जगह आता है, गया, तो वहां एक व्यक्ति का दुकान था, दवा का दुकान था, मेडिकल शॉप था, तो वो एक शिव का फोटो रखा था, शिव और पार्वती की, और रोज उस फोटो को साफ करता था, अगरबत्ती दिखाता था, नमन करता था, उसका नाम राकेश था, वो करता था, उसके बेटे का नाम संजय था, वो पढ़ा लिखा था, नए नए पढ़ा लिखा था, साइंस पढ़ा था, वो हंसता था, कमेंट करता था, क्या पापा ये रोज फोटो को पोंछते हो, ये रोज अगरबत्ती करते हो और उससे कुछ बोलते हो, इससे क्या होगा, नथिंग इज देयर, सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, कमेंट करता था। उसका पिता कुछ नहीं, चुपचाप सुनता था, मुस्कुराता था, फिर उस फोटो को साफ करता, फिर अगरबत्ती दिखाता, रोज यही काम। 20 साल बीत गए, उसका पिता बीमार पड़ा, मरने वाला था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा संजय मेरा एक बात मानेगा, मेरी अंतिम इच्छा है। बोले हाँ पापा, बोलो ना, मानूंगा। तो तुम रोज मजाक उड़ाता हंसता है, अब ये बंद कर दे, मैं तो दुकान नहीं जा पा रहा हूं, अब मैं नहीं रहूंगा, तुम एक काम करना, मेरी बात मानना, जब भी दुकान जाना तो उस फोटो को साफ करना और एक अगरबत्ती जला देना। बेटा ने कहा ठीक है पापा, आपने कह दिया मैं करूंगा, मुझे विश्वास है कि नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं करूंगा। पिता गुजर गया, वो लड़का रोज जाता था और वो फोटो को साफ कर देता था और अगरबत्ती दिखा देता था, वो एक फॉर्मलिटी कर रहा था अपने पिता के कहने पर, एक करते जाता करते जाता। एक दिन उस पिता ने कहा कि जब तुम पर कोई ऐसी दुख बात आए या कुछ भी ऐसी चीज आए तो तुम भगवान को याद करना। वो क्या हुआ कि एक दिन बारिश हुई और बिजली कट गई, तो शाम के समय बारिश हो रही थी, बूंदा बूंदी बिजली थी नहीं, तो उतना दिखा नहीं उसके काउंटर पर। एक लड़का आया और आकर कहा ये दवा है, तो उसने अपना टॉर्च जलाया, देखा, बोला हाँ है, लेकिन ये तो इमरजेंसी में दिया जाता है। बोले हाँ, मेरी माँ का बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने लिखा है कि अगर इसको ये दवा लाकर पिला दिया जाए तो ये बच सकती है। तो उसने कहा ठीक है, वो दवा रखा काउंटर पर और उसके बाद वो लड़का पैसा दिया, ये रख लिया और वो लेकर दवा चला गया लड़का। जब वो चला गया उसी समय थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, लाइट आई तो देखा कि वो दवा तो वहीं पड़ी है। अब घबरा गया ये, कारण कि 20 मिनट पहले उसी ने उस दुकान से चूहे मारने की दवा किसी को भेजी थी, वो लौट आ गया था दवा और कहा था ये मेरा बचा हुआ बोतल है, अब रख लो। वो अंधेरे में वो बोतल वहीं रख दिया। अब क्या हुआ, उस लड़के ने वो दवा के बदले वो चूहे मारने की दवा लेकर चला गया। अब जब ये देखा तो इसके तो एक गाला पड़ गया, डर गया, बोला अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया,
मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूं, वो जाके अपने माँ को पिलाएगा, माँ तो मर जाएगी, तो उसके मरने का कारण मैं हो जाऊंगा और उसका बेटा हो जाएगा, बेटा के हाथों माँ को जहर दिया जाएगा। डर गया, घबरा गया, घबरा गया। उसी समय उसको अपने पिता की बात याद आई और वो फोटो के पास गया, कहा हे शिव, हे ईश्वर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको नहीं मानता, मैं तरह तरह के भी मजाक किया, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आप हैं तो उस मां को बचा लीजिए और मेरे वो जहर लेकर गया है उसे मत पीने दीजिएगा भगवान, मैं पहले बार आपसे कुछ मांग रहा हूं, मेरे पिता ने कहा था जब बहुत जरूरी हो तो याद करना और आज से ज्यादा जरूरी कभी नहीं होगा, हे ईश्वर। वो यही प्रार्थना कर रहा था तब तक पिते से आवाज आई, भैया भाई तुम्हें कौन आवाज दे रहा? पीछे घूम के देखा तो वही लड़का था जो चूहे की दवा लेकर चला गया था। देखिए क्या हुआ, आओ आओ। तो भैया मैं दवा लेके जा रहा था, मेरी बारिश में पाव फिसली और वो सीसी नीचे गिरकर फूट गई, वो सीसी नीचे गिरकर फूट गई, हमें दूसरी दवा दे दो। ये लड़का जोर जोर से रोने लगा और उसने दूसरा बोतल उसको दिया और जाके कहा, भगवान आज तक मैं गलत सोच रहा था, आज मेरे आंख खुले कि तुम हो, थे और हमेशा रहोगे इस संसार में। मेरे बंधुओं, इन सरेंडर देयर इज नो नेगोशिएशन। अगर तुम सरेंडर होते हो, समर्पित होते हो, तो कोई नेगोशिएशन मत करना परमात्मा से, कोई नेगोशिएशन। अरे तुम क्या मांगने जाओगे हमेशा? एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जानते हो एक नारी और पुरुष मिलते हैं, नारी से के अंदर से एक्स निकलता है और पुरुष के अंदर से सीमन निकलता है, उस सीमन में कितने एस्पर्म होते हैं, अभी गिना गया तो पाया गया कि 700 मिलियन, लगभग थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी के काउंटिंग कम होगा किसी के ज्यादा हो, लेकिन एवरेज 700 मिलियन। उस 700 मिलियन में से परमात्मा के पास च्वाइस होता है, एक को चुनता है और माँ के गर्भ में डालता है, उससे हमारी और तुम्हारी जन्म होती है। ए मेरे बंधुओं, उस 700 मिलियन में उसी के बच्चे थे, भगवान के ही, वो किसी को चुन सकता था, लेकिन उस 700 मिलियन में से सबको छोड़ा, सिर्फ तुमको चुना और चुन करके माँ के गर्भ में डाला, जिससे तेरी जन्म हुई। ये क्या कम है उसको हाथ जोड़ने के लिए, और क्या मांगोगे? एक बात बताओ, तेरे मॉरिशस का पॉपुलेशन कितना है? पॉइंट 1.3 मिलियन। तो 1.3 मिलियन पॉपुलेशन में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका कितना वैल्यू होता है? एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, उसका कितना वैल्यू है ना? वैल्यू बहुत बार अपॉइंटमेंट नहीं मिले उससे मांगने से, टाइम लग जाए। तो 1.3 मिलियन में से एक सेलेक्ट हुआ है, उसका इतना वैल्यू है, और तुम तो 700 मिलियन में से परमात्मा के द्वारा एक चुने गए हो, तो देख तुम कितना वैल्यूबल हो, तुम अपनी वैल्यू नहीं जानते हो। ए, और उसने तुम्हें चुना है, तो हैप्पी मोमेंट, प्रेज गॉड। डिफिकल्ट मोमेंट, सीक गॉड। पेनफुल मोमेंट, ट्रस्ट गॉड। एंड एवरी मोमेंट, थैंक्स गॉड। Every moment, thanks God. मेरे बंधुओं, और क्या मांगोगे? एक बात बताओ, जैसा आप अपने जैसे इस दुनिया में किसी को देखे, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, आपके जैसे न कोई था, न है, न होगा। जानते हो 7 वंडर इस संसार में है, अगर उस वंडर जो है उसके बगल में वैसे ही चीज बना दिया जाए तो फिर वो वंडर रहेगा नहीं? रहेगा ना।
उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आधे लोग उसको देखने चले जाएंगे। तो परमात्मा ने तेरे जैसे दूसरा नहीं बनाया कि कहीं तेरी वैल्यू ना कम हो जाए, तेरी वैल्यू ना कम हो जाए। क्या कृपा किया उसने, सोचते हो कभी? तो अध्यक्ष साहब, हैव यू सीन लाइक यू एनी पर्सन इन दिस यूनिवर्स? नो, यू आर ओरिजिनल। आप ओरिजिनल हो, जेरक्स होने की दूसरा कॉपी मिल जाएगा। आपने किसी को देखा इस दुनिया में लाइक यू? नहीं ना, यू आर स्पेशल। आप इस परमात्मा ने आपको स्पेशल बनाया है। यू आर यूनिक, यू आर ओरिजिनल, यू आर स्पेशल। डॉक्टर साहब, आपने अपने जैसे किसी को देखा इस संसार में? यू आर मास्टरपीस, यू आर मास्टरपीस। तो मेरे बंधुओं, यू आर यूनिक, यू आर ओरिजिनल, यू आर मास्टरपीस, यू आर स्पेशल। We all are masters piece. We all are masters piece. So we are masterpiece. So you are masterpiece. तुम सब उसी master के एक अंश हो, एक piece हो, इसलिए तुम masterpiece हो। तुम masterpiece हो। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ। कभी जीवन में हीन भावना में मत आना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी डिप्रेशन में मत आना। कारण इस दुनिया में डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। याद करो, पहले बहुत जो लोग पुराने लोग हैं, हम लोग जब छोटे थे तो इतना डिप्रेशन होता था लोगों को, कोई डॉक्टर दिखता था डिप्रेशन का नहीं, पता ही नहीं। आजकल तो हर गली में डॉक्टर, डिप्रेशन के डॉक्टर हैं, और वो इतने बिजी रहते हैं कि हमने तो सुना है कि कुछ डॉक्टर मुझे बताते हैं कि डिप्रेशन का डॉक्टर दिन भर डिप्रेशन के पेशेंट को देखते देखते जब शाम में घर जाता है तो वो दूसरे डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाता है, वहां से होके जाता है, वो खुद डिप्रेस हो जाता है देखते देखते। मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, परमात्मा ने तुम्हें यूनिक बनाया, ओरिजिनल बनाया, स्पेशल बनाया और मास्टरपीस बनाया। एक बार उस परमात्मा के लिए ताली बजा दो। तो अगर खुशी का मोमेंट है तो उसकी प्रेज करो, डिफिकल्ट मोमेंट है सीख करो, याद करो, पेनफुल मोमेंट है तो ट्रस्ट करो उस पर और हर समय उसको धन्यवाद देना मत भूलना, उसको धन्यवाद देना। और जानते हो, इस दुनिया में सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? जब भी किसी तकलीफ में आना, तुम प्रयास करना, आगे बढ़ना, काम अच्छा करना, अटक गया हो, नहीं हो रहा हो, तो अपने दोनों हाथों को उठाना और कहना, भगवान संभाल लेना, भगवान संभाल लेना। ऐ उसने प्रहलाद को संभाला, मीरा को संभाला, उसने शबरी को संभाला, द्रौपदी को संभाला, उसने लाखों को संभाला है, तुमको भी संभाल लेगा, तुमको भी संभाल लेगा। देखो, तेरा अपना मंत्र है, तेरी अपनी भाव है, तो कभी भी इस पर प्रश्न मत करना अपने विश्वास पर। कारण कि तुम जितने प्रश्न निगोशिएशन करोगे उससे, उतने ही तुम जो चाहोगे वो दूर होता जाएगा, वो नहीं होगा, वो होने वाला भी नहीं होगा। इसलिए इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन। मेरे बंधुओं, हमेशा परमात्मा पर विश्वास करना। और देख, आया है इस जीवन में, बुरे समय भी आते हैं, मजबूत रहना, उससे आगे बढ़ते रहना, अपने कार्य को करते रहना। कारण कि भगवान हमेशा हमारे साथ काम करता है, हमारे लिए ही नहीं करता है। अब तुम थाली में भोजन रख दो और कहो भगवान मेरे मुंह में उठा के डाल दो, वो क्यों डालेगा? लेकिन मैन कैनॉट डू गॉड्स वर्क, बट गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क। गॉड कैन, बट गॉड विल नॉट डू माइंस वर्क। आदमी भगवान का काम कर नहीं सकता, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो आदमी का काम नहीं करेगा।
वो क्यों करेगा, वो तेरा काम है। हाँ तुमको हाथ दिया है, उठाकर खाओ। हाँ जिस दिन वो हाथ नहीं उठेगा उस दिन खिलाने वाला किसी को भेज देगा। तो इसलिए मेरे बंधुओं, अपनी जीवन में अपने कार्यों को तुम करते जाना, वो तेरे साथ रहेगा और वो पूरा होता है। हाँ दुख आता है, आएगा, मत घबराना उससे। जो आया है वो जाएगा भी, वो जाएगा भी। हमने सुना है कि एक बार एक जगह से मार्बल के कुछ सामान बन के आ रहे थे, तो कुछ टाइल्स था जो नीचे लगाते हैं वो टाइल्स, और कुछ भगवान की मूर्तियां थी जिसे मंदिर में आ रहे थे। तो उस जब वो लॉरी हिलती थी तो दोनों आपस में टकराते थे, वो मूर्ति और वो टाइल्स, टक 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 साउंड आता। तो उस टाइल्स ने उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी पत्थर मार्बल, मैं भी मार्बल, तुम भी सफेद मैं भी सफेद, तुम भी मकराना से आ रहे हो मैं भी वहीं से आ रहा हूं, तुम जिस पर पहाड़ के टुकड़े हो उसी पहाड़ का, पत्थर का, माउंट का, मैं भी एक टुकड़ा हूं। तुमको जिसने काटा उसने मुझे भी काटा, तुमको जिसने बनाया उसने मुझे भी बनाया, संजोग से तुमको जिसने बेचा उसने मुझे भी बेचा, खरीदने तुमसे जो तुमको जो खरीदा वो मुझे भी खरीदा, और जिस लॉरी से तुम जा रहे हो उसी लॉरी से मैं भी जा रहा हूं, और देखना जिस मंदिर में तुम लगोगे उसी मंदिर में मैं भी लगूंगा। सब एक है, एक जैसा है, फिर अंदर के मूर्ति तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा, तेरे चरणों में लोग अपना सर रखेंगे और मेरे सर पर लोग पांव रखेंगे, मैं तो नीचे फर्श में लग जाऊंगा। क्यों? और तुम कहोगे कर्मों का खेल है, तुमने क्या बड़े कर्म कर दिए और मैंने क्या खोटा कर्म कर दिया, कुछ किए नहीं, एक ही पहाड़ के हम लोग टुकड़े। तो उस मूर्ति ने कहा, ए टाइल्स, भगवान पर डाउट मत कर, भगवान पर प्रश्न मत कर, देख एक अंतर है, जब तेरे और मेरे दोनों के बुरे समय आए, तुम भी कटे जाने लगे मैं भी कटे जाने लगा, तुम पर भी छेनी हथौड़ी चला, मुझ पर भी सिजलिंग एंड हैमरिंग हुआ, छेनी और हथौड़ी चला, तो उस दुख को तुम बर्दाश्त न कर पाए, टूट गए, इसलिए पतले पतले स्लाइस कर दिए गए। अगर सपोज 4x4 का टाइल्स टूट जाए तो फेंकते नहीं हो, 1x1 का काट के एडजस्ट कर देते हो, 2x2 का काट के एडजस्ट कर देते हो, लेकिन अगर मूर्ति खंडित हो, मूर्ति टूटा हो, तो मंदिर में लगाते हो? नहीं ना। तो उस मूर्ति ने कहा, तुम पर भी जब छेनी हथौड़ी चला था उस दुख को तुम बर्दाश्त न किए, टूट गए, और मेरे ऊपर हजारों हजार छेनी और हथौड़ी चला, मैं निखरता गया, कभी मेरा नाक बना, कभी मुंह बना, कभी हाथ बना, कभी पांव बना, कभी सर बना, कभी धड़ बना, कभी उद बना, कभी तिक्त बना, कभी दिव्य बना, कभी मत बना, कभी लक्ष्य बना, कभी नेत्र बना, और ये हजारों हजारों छेनी और हथौड़ी का चोट खाकर मैं निखर निखर कर पूजनीय हो गया और तुम टूट करके पांव तले चलनीय हो गए। यही अंतर है मूर्ति, यही अंतर है टायल। तो मेरे बंधुओं, जो दुख में टूट गया वो रोड का कंकर, और जो निखर गया वो मंदिर का शंकर। आएगी तकलीफ, ये जीवन में सबकी आई है, तुम भगवान का भी हिस्ट्री उठाकर देखना, उनको भी आई थी, लेकिन जो निखर गया वो क्या होता है, मंदिर का शंकर हो जाता है, और उसी दुख में कोई टूट गया तो रोड का कंकर हो जाता है, उस पर पांव रख के लोग जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन में कैसी भी तकलीफ हो लेकिन टूटना नहीं, टूटना नहीं, कभी हार मत मानना, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट।
जो भागता है वो जीतता नहीं और जो जीतता है वो रण छोड़कर भागता नहीं। तो फेस द फियर इट्स गोज, अवॉइड द फियर इट्स ग्रोज। तो जीवन के हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास करना और अपने कार्यों को करते रहना। हो सकता है आज दुख का समय आया है, हो सकता है आज हम असफल हो रहे हैं, लेकिन एक दिन हम सफल भी होंगे, हम सफल भी होंगे। तो मेरे बंधुओं, मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि जीवन में कभी भी हार मत मानना, हार मत मानना। दूसरा, इस संसार में अपने जीवन को इतना सुंदर करना कि औरों के लिए एग्जाम्पल बने, औरों के लिए एग्जाम्पल बने। कहते हैं आवर लाइफ सर्व टू वेज, टू वे, दो तरह से ही ये जीवन कार्य करता है। आइदर बिकम एज ए वार्निंग और एज एन एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन फॉर अदर्स। ये जीवन दो ही तरह से काम करेगा, या तो ये जीवन तेरा एग्जाम्पल बनेगा दूसरे के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और नहीं तो वार्निंग बनेगा, नहीं तो चेतावनी बनेगा। तो अब एक बात बताओ, तुम अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाना चाहते हो कि वार्निंग बनाना चाहते हो, उदाहरण बनाना चाहते हो कि चेतावनी, उदाहरण, तो एग्जाम्पल बनाना चाहते हो। मेरे बंधुओं, ऐसी जीवन को जीना कि तेरा जीवन औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए, उदाहरण बन जाए। लोग कहें बनना है तो इनके जैसा बनो। अब एक बात बताओ, तुम लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं? हाथ उठाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितने लोग हैं जो रोज मेडिटेशन करते हैं? ओके। अच्छे, आप में से कितने लोग हैं जो रोज गुस्सा करते हैं? हाथ उठाएंगे जो जो गुस्सा करते हैं वो। अरे झूठ बोले कौआ काटे हाथ, ऐसा नहीं गुस्सा करते हो, हाथ नहीं उठाना, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, हाथ नहीं चलेगा। मेरे बंधुओं, आप सनातन धर्म के हो और आपके धर्म की खोज है कुछ चीजें, जो जितने भी धर्म आए वो सब कुछ कुछ खोज है। खोज में सबसे ज्यादा जिस धर्म की खोज हुई उस सनातन धर्म की हुई। तेरे धर्म से ही योग, तेरे धर्म ने योग खोजा, प्राणायाम खोजा, तेरे धर्म ने सिद्धियां खोजी, नौ रत्न खोजा, नौ निधि खोजी, तेरे धर्म ने मुक्ति खोजी, जन्मों जन्म का सार खोजा, तेरे धर्म ने पूजा खोजी, अर्चना खोजी, ये सब तेरे धर्म ने खोजा, सनातन धर्म ने। अब एक बात बताओ, इसको अगर तुम ही नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तेरे धर्म ने आज जो खोजा, प्राणायाम खोजा है, ए तुम कर, नहीं तो क्या फायदा? जो धर्म तुम्हें दे रहा है अगर उसको ही तुम नहीं लो तो फिर क्या फायदा उस धर्म में रहने का, सोचो। अच्छे, अगर तुम जो प्राणायाम ध्यान करते हो तो इससे तुमको हानि होगी कि फायदा होगा? तो करो ना कम से कम। आजकल दुनिया फायदे क्या है, फायदे की चीज तो लोग करते हैं ना। मैं जब पूछा कि कितने लोग जो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो इन्हें गिने हाथ उठे, और जब पूछा कितने लोग गुस्सा करते हैं तो बहुत हाथ उठे। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा तेरे लाइफ को एग्जाम्पल बनाएगा कि वार्निंग बनाएगा? वार्निंग। तो एक बात बताओ, तुम वार्निंग के रास्ते पर चल रहे हो कि एग्जाम्पल के? वार्निंग के। फिर कैसे एग्जाम्पल बनेगा? झूठ बोल रहा है कि एग्जाम्पल बनाऊंगा, कैसे बनेगा? हम जब एग्जाम्पल का कार्य करेंगे तो एग्जाम्पल बनेगा। और
जब हम एग्जाम्पल का काम न करेंगे तो निश्चित ही वार्निंग बन जाएगा, निश्चित ही ये जीवन वार्निंग बन जाएगा। तो मेरे बंधुओं, बी केयरफुल। देख, गुस्सा आना आता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम गुस्सा करते हो कि गुस्सा आता है, हो जाता है? आता है। ए नहीं करते हो, वो कोई टॉयलेट नहीं है कि ऐसे ही आ जाता है, वो नेचर नहीं है। देख, अभी तुम गुस्सा किए हो, किसी को डांट रहे हो, और उसी समय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तेरे घर पे आ गए, तो तुम गुस्सा करोगे क्या? वेलकम वेलकम सर, प्लीज प्लीज कम। अच्छे, अगर जोर से टॉयलेट आया है और दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, रोक पाओगे? नहीं ना, जाना ही पड़ेगा। तो गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है कि आता है, तुम करते हो, तुम करते हो, उस समय तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है। और जानते हो, यंगर इज शॉर्ट टाइम मैडनेस, यंगर इज शॉर्ट टाइम मैडनेस। गुस्सा का अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए हम पागल हो गए, और पागल आदमी जब बोलेगा तो अनाप शनाप बोलेगा। तो जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक काम करना, थोड़ा रुक जाना, तुरंत रिएक्ट मत करना। हमको देखो, गुस्सा हुए हो, हो गए, लेकिन तुम क्या करना, आज से एक नियम पालन करना कि जैसे गुस्सा आए तुम गुस्से में कुछ बोलना ही नहीं, चुप हो जाना, थोड़ा सा चुप हो जाना, मुंह बंद कर लेना। देखो, ये टफ काम है, बट देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। इस जीवन में टॉप पर जाने का कोई आसान रास्ता ही नहीं है, हमें टफ रास्ते को एक्सेप्ट करना होगा और उसे पूरा करना होगा, तभी हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। और टॉप पर पहुंच गए हो तो वेरी टफ टू सस्टेन ऑन टॉप, मेंटेन ऑन टॉप।